हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लेंटिल यानी मसूर की। हाँ, मसूर की दाल जो आप लोग खाए हैं लाल वाली, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में से कहा जाता है लेंटिल। ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम लेंस क्यूलिनेरिस मेडिकुस, सब स्पीसीज क्यूलिनेरिस। ठीक है। अच्छा, इसका सिनानिम्स यानी और क्या क्या नाम है जिस नाम से लोग जानते हैं, मसूर भी कहते हैं, मलका भी कहते हैं, बोल्ड सीडेड भी कहते हैं, लेंटिल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ है? इसकी ओरिजिन टर्की टू साउथ ईरान है। ठीक है, यानी कि वहाँ की मूल प्रजाति है। अच्छा, अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ वैल्यूएबल ह्यूमन फूड। ठीक है। मोस्टली कंज्यूम एज ड्राई सीड, होल डेकोरेटेड सीड, डेकोरेटेड एंड स्प्लिट, यानी कि पूरी पूरी दाल भी खाई जाती है और अलग अलग भागों में इसके दोनों दाल को भी खाई जाती है। इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट मोस्टली कंज्यूम एज दाल। ठीक है। जो भारतीय क्षेत्र है, खासकर भारत, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका, तो यहाँ ये जो क्षेत्र हैं इसमें जो है इसको दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ भाई, अरहर का दाल जैसे बनता है, मसूर का भी दाल बनता है। ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि इसके आउटर स्किन को रिमूव करके जो है कंज्यूम करते हैं। चलिए छोड़िए ये सब बातें। अच्छा, न्यूट्रिटिव वैल्यू देख लिया जाए तो इसमें प्रोटीन जो है 24 से 26% पाया जाता है, फैट 1.3%, फास्फोरस 300 मिलीग्राम 100 ग्राम में, विटामिन सी 100 ग्राम में 10 से 15 मिलीग्राम। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 57 से 60%, फाइबर 3.2%, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, से सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, अब क्रॉप की बात कर लें, मुख्य फसल की बात कर लें, तो इंडिया रैंक फर्स्ट इन एरिया। ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल में जो है भारत नंबर वन पे आता है मसूर के उत्पादन में। वही जो है प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन में तो द्वितीय आता है। ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक क्षेत्रफल होता है, एक प्रोडक्शन होता है। तो क्षेत्रफल में तो हम जो है नंबर वन पे हैं, प्रोडक्शन में हम लोग नंबर दूसरे पे हैं। ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है? 39.79%। वहीं जो है प्रोडक्शन की बात करें तो 22.79% ऑफ द वर्ल्ड एरिया एंड प्रोडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली। द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी वॉज रिकॉर्डेड इन कॉर्टिया। ठीक है। कितना है? 2862 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉलोड बाई न्यूजीलैंड। ठीक है। कॉर्टिया एक जगह है, तो गूगल मैप पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद कहाँ होता है? न्यूजीलैंड का। इतना 2469 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। कनाडा रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन। अरे क्या बात है भाई, कनाडा पहला स्थान पे है इसके प्रोडक्शन में। कितना है भैया? 41.16% ड्यू टू वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, 1633 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एज कंपेयर टू इंडिया 611 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है। ये कहाँ से आंकड़े मिले हैं? या एफएओ के जो है स्टैटिक्स से मिले हैं 2014 के। ठीक है। ड्यूरिंग 12th प्लान 2012 से 15, द कंट्री एरिया अंडर लेंटिल वाज 14.79 लाख हेक्टेयर। ठीक है। भारत में जो है कुल लिंटेल का उत्पादन 14.79 लाख हेक्टेयर में हो रहा था, और कितना प्रोडक्शन था इसका? 10.38 लाख टन। ठीक है। जिसमें भी अब बात करें कि मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पे था, 39.56% एरिया और 5.85 लाख हेक्टेयर। ठीक है। और उसके बाद दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश 34.36% एंड उसके बाद है बिहार। ठीक है। वाइल इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। अभी तक तो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, जिसमें कि मध्य प्रदेश पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा और बिहार तीसरा था। वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, जबकि मध्य प्रदेश जो है प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर जाता है, उसके बाद बिहार, और भी बहुत सारे स्टेट हैं। अच्छा, स्टेट वाइज रिकमेंडेड वेराइटीज, यानी कि किस
किन किन राज्यों के लिए कौन कौन सी वैरायटी रिकमेंडेड है अच्छी उत्पादन के लिए, हाँ ये देखते हैं। तो पहला है बिहार, बिहार के लिए कौन कौन सी वैरायटियाँ जो है, पंत L406, PL639, मल्लिका जिसको K75 भी कहते हैं, NDL2, WBL58, HUL57, WBL77, अरुण जिसे भी PL777-12 भी कहते हैं। ओके, और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लिए वैरायटियाँ जो है MP यानी CG यानी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, इसके लिए मल्लिका यानी K75, IPL81 जिसे नूरी भी कहा जाता है, याद करिएगा यही सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी मल्लिका पूछ देगा तो कभी K75 पूछ देगा किसकी वैरायटी है, या हो सकता है पूछ देगा IPL81 या नूरी किस किस फसल की वैरायटी है, तो याद होना चाहिए लेंटिल की यानी मसूर की, JL3, IPL406, L4076, IPL316, DPL62 या शेरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये सब जो भी आप नाम देख रहे हैं नूरी शेरी K75 या मल्लिका, ये सब ही क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात कर लें गुजरात के लिए, मल्लिका IPL81 और L4076 और JL3। वहीं हरियाणा की बात करें तो पंत L639, पंत L4, DPL15 यानी प्रिया सपना आदि वैरायटियां हैं। महाराष्ट्र के लिए JL3, IPL81, पंत L4। ठीक है, पंजाब के लिए PL639, LL147, LH84, LH4147 वगैरह वगैरह। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि भाई उत्पादन में तो नंबर वन है, तो कौन कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए रिकमेंडेड है, PL639। ठीक है, पंत लेंटिल 639 इसका फुल फॉर्म है। अब है मल्लिका यानी K75, NDL2, DPL62, IPL81, IPL316, L4076, HUL57 और DPL15, ये सारी अच्छी वैरायटियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, उसी तरह आप आगे देख लीजिए, राजस्थान उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के लिए वैरायटियां हैं। अच्छा पोटेंशियल यील्ड जो है क्या है इसको भी देख लिया जाए, तो बिहार में जो है पंत U4406 का जो है क्या है इम्प्रूव में 1720 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं लोकल फार्मर जो है कितना दे रहे हैं 1150। ठीक है, इसी तरह सारी वैरायटियां हैं स्टेट वाइज देख लीजिए आप चार्ट में नोट कर लीजिए, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वैरायटी उत्पादन दे रही है वह है हमारी HUDP15। ठीक है, और जो लोकल किसान उत्पादन के लिए ले रहे हैं कौन सा वैरायटी ले रहे हैं, WBL1। ठीक, अच्छा ये सोर्स कहाँ से आंकड़े मिले हैं ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो इस आंकड़ों को जो है आप प्रमाणित भी जो यहाँ से कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार के फर्जी आंकड़े नहीं है, सारे जेन्युइन आंकड़े हैं। अच्छा बात कर ले इसके लिए क्लाइमेट कैसा कैसा चाहिए, तो लेंटिल के लिए जो है रिक्वायर्ड होता है कोल्ड क्लाइमेट यानी ठंडी जलवायु, इट इज़ अ वेरी हार्डी एंड कैन टॉलरेंट फ्रॉस्ट। ठीक है, यह बहुत ही कड़ी होती है और फ्रॉस्ट के खिलाफ भी जो टॉलरेंट होती है, ठीक है उसमें सर्वाइव कर जाती है, एंड सेवर विंटर टू ए ग्रेट एक्सटेंट, इट रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स वेजिटेटिव ग्रोथ एंड वार्म टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मतलब कहने का यह है कि यह ठंडे मौसम उगाई जाने वाली फसल है और यह पाले को भी बर्दाश्त करती है और ज़्यादा ठंड को भी बर्दाश्त करती है, इसीलिए जो है कनाडा में जो है इसका उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, जब इसका जो है वनस्पति विकास हो रहा होता है तो इसको इसको जो है ठंडे तापमान की आवश्यकता पड़ती है, वहीं जब यह मैच्योर हो रहा है यानी अपनी अंतिम अवस्था में होती है फसल पकने के अवस्था में, तो इसको गर्म तापमान की आवश्यकता पड़ती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 18 to 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है ठीक है वह
18 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, यानी कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30, इसके बीच में रहेगा तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन देगा। क्या देगा? लेंटिल यानी मसूर। अच्छा, अब बात कर लें सॉयल टाइप एंड फील्ड प्रिपरेशन की, ठीक है। हेडिंग नोट करते चलिए। वेल ड्रेन्ड यानी अच्छी जो है जल निकास वाली भूमि हो, लोमी सॉयल हो विथ नेचुरल रिएक्शन आर बेस्ट फॉर द लेंटिल कल्टीवेशन। एसिडिक सॉयल आर नॉट फिट फॉर ग्रोविंग लेंटिल, ठीक है। तो जो भी भूमि एसिडिक नेचर की हो, अम्ली हो, वहाँ पे जो है लेंटिल का उत्पादन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। द सॉयल शुड बी फ्राइबल एंड वीट फ्री सो दैट द सीडलिंग कुड बी डन एट यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है। तो मिट्टी जो है भुरभुरी हो और वहाँ पानी निकलने की व्यवस्था भी हो और खरपतवार रहित हो, तो पौधे जो है एक समान बढ़ते हैं और अच्छा उत्पादन देते हैं। ऑन हैवी सॉयल वन डीप प्लॉविंग फॉलोड बाई 2 to 3 क्रॉस हैरोविंग शुड बी डन, ठीक है। जो है अगर भारी मिट्टी है तो उसमें एक गहरी जुताई करें और उसके बाद 2 से 3 हल्की जुताई जो है कर लें, और किससे करें? हैरो से, हैरोविंग कर लें, ठीक है। आफ्टर हैरोविंग द फील्ड शुड बी लेवल्ड बाई गिविंग ए जेंटल स्लोप टू एस इरिगेशन, ठीक है। यानी कि सिंचाई के अनुसार जो है वह अच्छी जो है उसका जो ढाल बना होना चाहिए ताकि उसमें पानी ना लगे, क्योंकि इसको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, सोविंग टाइम की बात कर लेते हैं, यानी बुआई के समय की जो है, तो इसकी बुआई का समय है, देखिए रिकमेंडेड सोविंग टाइम फॉर रेन फेड, ठीक है। ये हम नोट कर लीजिएगा किस समय की बात हो रही है, रेन फेड कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी फर्स्ट फोर्टनाइट मतलब देखिए महीनों को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम पखवाड़ा और द्वितीय पखवाड़ा। प्रथम पखवाड़ा मतलब महीने का जो है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख की जो भी समय होता है इसको प्रथम पखवाड़ा कहते हैं, और 16 से लेकर 30 तक या लास्ट तक जो भी समय होता है उसको द्वितीय पखवाड़ा कहा जाता है। तो वही है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के प्रथम जो है पखवाड़े में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, ठीक है, उत्तर और मध्य भारत में जो है सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में इसकी बुआई कर देनी चाहिए, सॉरी मध्य और दक्षिण भारत, मध्य और दक्षिण भारत में जो है अक्टूबर के जो है प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई करनी चाहिए, या प्रथम जो है ओहो भूल जा रहे हैं हम, प्रथम पखवाड़े में जो है इसकी बुआई करनी चाहिए अक्टूबर के, और वहीं उत्तर भारत में जो है द्वितीय पखवाड़े में इसकी बुआई करनी चाहिए, ठीक है। अंडर इरिगेटेड कंडीशन फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इन नॉर्थ इंडिया एंड फॉर लेट सोविंग, ठीक है। यानी सिंचाई की अवस्था में जो है अच्छी अगर उपयुक्त संसाधन है तो नवंबर के प्रथम जो है पखवाड़े में इसकी बुआई कर सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन राइस फॉलो एज ENEPZ और ऑन फील्ड वेक्टेड वेरी लेट बाई खरीफ क्रॉप अंडर इरिगेटेड कंडीशन। यानी कि बहुत अगर विलंब से बुआई हो रही है तो दिसंबर में अगर धान कट रहा है तो तुरंत इसकी बुआई कर दें बिना जुताई किए हुए, जीरो मेथड से जो है, जीरो प्लॉविंग मेथड से। अच्छा, अब बात कर ले जो है सीड रेट एंड शोविंग की। तो सीड रेट में जो है फॉर स्मॉल सीड रेट यानी कि बीज की मात्रा का, बीज के जो है आकार जो है छोटे हैं तो 40-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेंगे। वहीं बोल्ड सीड रेट यानी बड़े दाने के अगर बीज है तो 45 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो है आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, अगर देरी से बुआई हो रही है तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। छोटे दाने हैं तो 40 से 45, बड़े दाने हैं तो 45 से 60, और लेट बुआई तो 50 से 60। यूटेरा क्रॉपिंग मेथड में 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। सोविंग शुड बी डन इन रो एट रो 30 सेमी, यानी कि बुआई जो है 30-30 सेमी के जो है कूड़ में करनी चाहिए।
एंड इट शुड बी सोन एट द लोअर डेप्थ 3 to 4 semi, यानी कि कूड़ की गहराई जो है जहाँ पे बीज गिरे वह 3 से 4 semi ऊपरी सतह से नीचे होनी चाहिए, यानी मिट्टी की सतह से नीचे जो है 3 से 4 semi बीज गिरनी चाहिए। ठीक है, दिस कुड बी डन आइदर बाई यूजिंग ए फर्टी सीड ड्रिल और बाई सीडिंग बिहाइंड देसी प्लाउ। ठीक है, कहने का मतलब चाहे सीड ड्रिल से आप बुआई करिए या फिर देसी जो है हल से, तो ये अच्छी विधि होती है लेंटिल के लिए। अब बात कर लेते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक होती है और सभी फसलों के लिए यह आवश्यक होती है। ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी फसल की हमको बुआई करनी है तो उसका सीड ट्रीटमेंट करना यानी बीज शोधन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, तो इसमें फंजीसाइड के रूप में जो है थीरम 2 ग्राम प्लस कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या थीरम 3 ग्राम और कार्बेंडाजिम 2.5 किलोग्राम पर केजी ऑफ सीड। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है आपका, थीरम 2 ग्राम प्लस कार्बेंडाजिम 1 ग्राम, ये सबसे बेस्ट कंडीशन होता है। अगर नहीं है सिर्फ कार्बेंडाजिम है तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है इसको सीड ट्रीटमेंट जो है करते हैं। वह इंसेक्टिसाइड जो है कौन सा यूज करना चाहिए, तो क्लोरोपाइरीफास 20 EC का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, 8 ml प्रति किलोग्राम आप सीड, यानी 8 ml जो है क्लोरोपाइरीफास 20 EC का लेते हैं 1 किलोग्राम बीज के दर के हिसाब से। अब जैसे जैसे बीज की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे दवा बढ़ती जाएगी। ठीक है, कल्चर के रूप में हम राइजोबियम और PSB कल्चर का जो है PSB यानी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। 1 packet फॉर ईच फॉर 10 kg सीड, यानी अगर हम 10 किलो बीज ले रहे हैं तो 1 kg राइजोबियम प्लस 1 kg PSB कल्चर का पैकेट लेंगे। ठीक है, अगर मात्रा कम हो रही तो इसकी भी मात्रा हम लोग कम कर देंगे। क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर लें तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग द मोस्ट कॉमन रोटेशन अंडर द सिक्वेंशियल क्रॉपिंग आर कौन कौन सा है, पहला खरीफ में जो है फार्मर क्या कैसे करते हैं, लेंटिल या रेनफेड एरियाज में, फिर उसके बाद पैडी, फिर लेंटिल। ठीक है, और मेज लेंटिल कॉटन लेंटिल, इस तरीके से जो है ये रोटेट होता रहता है। इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो मोस्ट कॉमन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम आर लेंटिल प्लस शुगर केन ऑटमन क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो बताए ऑटमन। ठीक है, नहीं पता है तो कमेंट करिए, इसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, विथ 2 rows ऑफ लेंटिल एट 30 semi row स्पेसिंग इन बिटवीन 2 rows ऑफ शुगर केन। ठीक है, यानी कि 2 row लेंटिल की रहेंगी 30-30 semi की, और उसके बाद फिर 2 row गन्ने की रहेंगी, इस तरीके से इसकी बुआई करते हैं। दूसरा मेथड है लेंटिल प्लस लिनसीड 2:2 के रेशियो में, यानी कि 2 line लेंटिल के फिर 2 line लिनसीड के। तीसरा हमारा मेथड है लेंटिल प्लस मस्टर्ड 2:16, यानी कि 2 line लेंटिल के प्लस 6 line सरसों की। इरिगेशन की बात कर लें तो पहला इरिगेशन शुड बी डन एट 40-45 days, यानी कि 40-45 दिन पर मेरे को पहली सिंचाई जो है आवश्यक होती है। उससे पहले भी नहीं करनी चाहिए और उससे बाद नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस समय तक पौधों की जो जड़ों के विकास होती है मिट्टी में अच्छी गहराई तक, उपयुक्त गहराई तक चली जाती है। अगर हम पहले कर देते हैं सिंचाई तो मिट्टी में जो है जड़ें ऊपर ही रह जाती है, नीचे तक नहीं जाती है, और अगर हम लेट करते हैं तो एक सीमित समय के बाद पौधों की जड़ों का विकास रुक जाता है और पौधों का विकास पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पहले सिंचाई को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड एंड पॉट फिलिंग, यानी कि जब दाने बन रहे हों तब दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मॉइस्चर स्ट्रेस इज पॉट फॉर्मेशन फॉलोड बाई फ्लावर इनिशिएशन, यानी कि लेंटिल के जो है फसल जब हम अगर ले रहे हैं यानी मसूर की बुआई करते हैं तो इसमें जो है फूल निकलने के बाद जैसे ही दाने बनने शुरू होते हैं, पॉड बनने शुरू होते हैं, वह बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है। इस समय ध्यान से हल्की सिंचाई जो है करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने से भी पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कौन कौन से खाद उर्वरक की जो है जरूरत पड़ेगी इसमें, तो जनरली नाइट्रोजन 20 kg, फास्फोरस 40 kg एंड 20 kg सल्फर पर हेक्टेयर जो है इन मीडियम टू लेट फर्टाइल सॉयल और बेसल ड्रेसिंग। ठीक, मतलब
कि जनरली जो है नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, कितना कितना 20 kg, 40 kg और सल्फर 20 kg का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, यूरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम कि किस खाद में कितना जो है उर्वरक पाया जाता है, तो इसके लिए हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, आपको बताएंगे किस खाद में कौन कौन से तत्व तो पाए जाते हैं, कितनी मात्रा होती है, और जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन बताते हैं एनपीके का, वो कैसे उस खाद से हम पूरा करते हैं, इसके बारे में भी आपको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो जो हम यूरिया देते हैं उसमें मात्र 46% ही नाइट्रोजन होती है, तो अब कैसे हम 20 kg देंगे, उसके लिए हमें कितना यूरिया का आवश्यकता पड़ेगी, ये सारा कैलकुलेशन आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि थोड़ा सा मनोबल बढ़े, तो आपके लिए हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएँ, ठीक है। अच्छा आइए चलिए बात करते हैं सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो इसमें सल्फर आयरन, सल्फर एंड इन मीडियम ब्लैक सॉयल एंड सैंडलोम सॉयल सप्लाई 20 kg सल्फर पर हेक्टेयर, ठीक है, इक्वलेंट टू 154 kg प्रति हेक्टेयर जिप्सम या फास्फो जिप्सम और 22 kg बेंटोनाइट सल्फर। मतलब जो सल्फर की मात्रा जो है हम 20 kg हमें देना है प्रति हेक्टेयर, इसको हम 154 kg जिप्सम के द्वारा भी दे सकते हैं या फास्फो जिप्सम या फिर 22 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर के माध्यम से जो है पूरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बाकी चीज़ छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बोरान की जो मात्रा इन लेंटिल ग्रो इज सॉरी इन लेंटिल ग्रोन इन कैल्सेरियस एलुवियल सॉयल अप्लाई 1.6 kg ऑफ बोरान प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब 1.6 किलोग्राम बोरान प्रति हेक्टेयर देना है, तो उसके लिए हमें क्या जो है प्रयोग करना चाहिए, तो 16 kg बोरेक्स हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, या फिर 11 kg डाई सोडियम टेट्रा बोरेट पेंट्राहाइड्रेट का भी प्रयोग करेंगे। हालांकि नाम इतना खतरनाक है, डाई सोडियम टेट्रा बोरेट पेंट्राहाइड्रेट 11 kg मात्रा हम देते हैं, तो इससे 1.6 किलोग्राम बोरान हमें प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होगा। वेट कंट्रोल की बात कर ले तो 2 मैनुअल वीडिंग यानी कि दो जो है मैनुअल तरीके से यानी हाथ से जो है मशीनों से जो है घास निकालेंगे, ठीक है। 1 at 25 to 30 days यानी कि 25 से 30 दिन पहले जो है निराई गुड़ाई कर लेंगे, घास खरपतवार निकाल लेंगे, और दूसरा जो है 40 से 45 दिन या 45 से 50 दिन पे जो है निराई गुड़ाई करके जो है खरपतवार निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा बीडी साइट लाइक पेंडीमेथिलीन 30 EC at 0.75 kg, ठीक है, ए आई एन एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर में बी यूज एज प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट, ठीक है। कब इसका प्रयोग करेंगे, पेंडीमेथिलीन 30 EC का करना है, 0.75 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट का करना हमें कब, प्री इमरजेंस, ठीक है, यानी कि जब बीज के जमाव से पूर्व, नहीं तो हमारा फसल भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात कर ले प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की, डिजीज की, ठीक है। सीडलिंग मोर्टिलिटी यानी जो भी हमारी जो है बीज का जमा होता है, तो उसमें जो मरने लगते हैं मृत्यु दर होती है, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं, तो उसमें जो है क्या सिम्टम्स है, कैसे बचाव किया जाएगा, तो समझते हैं इट इज कॉज्ड बाई फंजाई यानी कि फंगस के द्वारा जो है यह होता है। पौधे मरने लगते हैं, सूखने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं। इट अपेयर्स विद इन अ मंथ ऑफ शोविंग यानी कि बुआई के 1 महीने के अंदर ही ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल या मेजर कैसे करेंगे, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई डिले प्लांटिंग अंटिल मिड नवंबर, ठीक है। थोड़ा सा डिले प्लांटिंग करते हैं, बुआई करते हैं मिड नवंबर में जो करते हैं, शुरुआत में नहीं करते हैं। ट्रीट द सीड विथ सिस्टेमिक फंजिसाइड कार्बेंडाजिम, ठीक है। विशोधन किसे हमने बताया था आपको, कार्बेंडाजिम से, इसीलिए क्योंकि ये पौधे जो है मरने लगते हैं, इससे बचाव के लिए, ठीक है। यह कैसा है, सिस्टेमिक फंजीसाइड, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। सिस्टेमिक फंजीसाइड कार्बेंडाजिम, सीड ट्रीटमेंट किससे करना है, कार्बेंडाजिम, कितनी मात्रा लगती है, 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की जो है मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं, और आप परेशान रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यही सब सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते, तो इसको हाईलाइट करते चलिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि विल्ट, विल्ट क्या होता है।
इसमें देखिए पौधे सूख रहे हैं जो है, ठीक है। दिस इज सीरियस डिजीज ऑफ लेंटिल इन विच द ग्रो ऑफ द प्लांट इज चेक्ड, ठीक है। पौधे का विकास बहुत ही जो है तेजी से रुक जाता है और द लीव्स आर स्टार्ट एलोइंग, यानी पौधे की पत्तियां जो है पीली पड़नी शुरू होती है, प्लांट स्टार्ट डाइंग, पौधे मरने लगते हैं, ठीक है। फाइनली जो है अंत में खत्म, आपकी फसल बर्बाद, किसान भी बर्बाद, कर्जा लिया है तो बेचारा जो है कहाँ से देगा। तो इसीलिए कहा बार बार समझाता है कि बीज शोधन करिए, थोड़ा सा समय दीजिए खेतों में, अपनी फसल पर ध्यान दीजिए, किसी प्रकार का जो है फसलों में पीलापन पड़ रहा है तो तुरंत जो है उचित उपचार करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वैज्ञानिक को संपर्क करिए, कृषि के जो है प्रोफेसर से छात्रों से संपर्क करिए, ठीक है। अब जो इसका कैसे कंट्रोल करेंगे, कीप द फील्ड क्लीन, यानी जो है हमारी खेतें होती हैं उसको साफ कर लेना चाहिए, फॉलो अ 3 ईयर क्रॉप रोटेशन, यानी कि 2 से 3 साल जब हम एक ही फसल लेंटिल की फसल लेते हैं तो बीच में जो है एक बार हमको पूरी जो है फील्ड को साफ करना चाहिए और ये फसल ना लेके हमें उसमें फील्ड में दूसरी फसल उगानी चाहिए, ठीक है। यूज टॉलरेंट एंड रजिस्टेंट वेराइटी, ठीक है, टॉलरेंट या रजिस्टेंट वेराइटी जो है हमें प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी है, पंत लेंटिल 5 यानी PL5, IPL 316, IVL 31, शेखर मसूर 2, शेखर मसूर 3 इत्यादि, ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट, इसी तरह रस्ट भी होता है, इससे भी फसल नष्ट होती है, बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं आप देख लीजिए जो है। अब कंट्रोल या इसकी जो है कैसे करें, तो इसके लिए जो है जो पौधे हैं इसे उखाड़ के जो है इसको नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ है रेजिस्टेंस जो है, टॉलरेंट वेराइटियाँ जो है कौन कौन सी है ये आप नोट कर लीजिए, इनको आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी वेराइटियाँ जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकली रूप में जो है मैनको जो का प्रयोग किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फसल पे, 75 WP यानी 75 वेटेबल पाउडर एट द रेट 0.2%, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर के जो है दर से इसका 1 से 2 छिड़काव करते हैं एट 50 डेज आफ्टर सोविंग आर गुड फॉर कंट्रोलिंग रस्ट, यानी कि बुआई के 50 दिन के बाद जो है इसका प्रयोग कर देना चाहिए अगर आपके खेत में ये बीमारी आती है या आपके आसपास आती है फसलों के। अच्छा, इंसेक्ट पेस्ट की बात कर लें जो है, तो इसमें पॉड बोरर जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, जो है फलियों को जो है नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉड बोरर में जो कैटरपिलर्स होते हैं कीड़ों के जो है, ये जो है हरी जो है फलियों को खा जाते हैं, दानों को खा जाते हैं, ठीक है। और फसलें जो है इससे 25 से 30% या 40% तक नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। यह बात भारत की हो रही है, तो इसका कंट्रोल कैसे करें, तो स्प्रे नीम सीड स्ट्रैक 5%, यानी नीम का तेल जो है या फिर जो है नीम की खली या नीम के छालों जो पीस कर 5% का घोल बनाकर जो इसका छिड़काव करना चाहिए, यानी 50 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर में 50 ml नीम स्ट्रैक जो है डाल के स्प्रे करना चाहिए। दूसरा जो है स्प्रे या प्रोफेन फॉज 50 EC, ठीक है, एट 2 ml पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml प्रोफेन फॉज 50 EC का जो है प्रयोग करना चाहिए, या फिर इमेमेक्टिन बेंजोएट 5 SG एट द रेट 0.2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। एफिड्स भी लगते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, या फलियों के जो रसों को, पत्तियों के रसों को सोख जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है डाइमेथोएट 30 EC का जो है प्रयोग करना चाहिए, 1.7 ml पर लीटर, या फिर इमिडाक्लोपीड 17.8 SL एट द रेट 0.2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ जो है मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फसल सुरक्षित रहती है। माफी चाहेंगे, काफ़ी शोरगुल हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इससे बचिए आप जो है, बगल में शादी बारात है तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, ठीक है। और स्टेफाइलम ब्लाइट, ठीक है, यह भी बहुत बड़ी बीमारी है, पत्तियां झुलस जाती हैं, पौधे जो है कमज़ोर हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, तो इसका भी सिम्टम आपके सामने है, देख लीजिए, ठीक है।
इसमें ऊपरी पत्तियां जो है पौधे की जो सूखने लगती हैं, बहुत ही फसल प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि फसल जल गई है। इसका कंट्रोल कैसे करते हैं? आफ्टर हार्वेस्ट द अफेक्टेड प्लांट ट्रेस शुड बी बर्न, जो भी फसलें जो है प्रभावित हो उसको जला देनी चाहिए, नष्ट करनी चाहिए। ठीक है, स्प्रे द क्रॉप विथ मैनकोजेब, जो है फसल पे जो है मैनकोजेब 75 बेटावल पाउडर यानी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो इसका छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है, टू स्प्रे मे बी गिवन एन 15 डे इंटरवल, यानी 15 15 दिन के अंतराल पे जो है 2 बार जो है मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, और अच्छी वैरायटियाँ जैसे जो है PL 637, DPL 15 आदि का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग स्टोरेज की बात कर ले जो है, तो क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग वेन लीव्स बिगेन टू फॉल, यानी पौधे ये पत्तियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं, सूख के जो है पीली पड़ जाती है, भूरी पड़ जाती है, तभी जो है हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। स्टेम एंड पॉड टर्न ब्राउन और स्ट्रॉ इन कलर एंड सीड आर हार्ड एंड रेटल विथ 15% मॉइस्चर इन साइड देम। ठीक है, पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाएँ या भूरी होने लगें, ठीक है, और पौधे के अंदर बीज में जो है 15% नमी हो तो हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ओवर रैपेनिंग में लीड टू फॉल द पॉड एज वेल एज सेटरिंग एंड सीड क्रैकिंग इफ सीड मॉइस्चर फेल बिलो 10% ड्यू टू डिले इन हार्वेस्टिंग, अगर जो है सीड पॉड जो होता है उसमें अगर नमी जो है 10% या उससे कम होने लगेगी तो पौधा जो है जो फली होती है वो अपने आप ही फट के जो है दाने खेत में गिरेंगे, जिससे कि आपको जो है नुकसान होगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए हार्वेस्टिंग के समय, और फसल को 4 से 7 दिन तक सुखा कर जो है इसको स्टोर करना चाहिए। स्टोर करते समय जो है 9 से 10% ही नमी हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर आपके पास जो है सुखाने के लिए जो है धूप में भी सुखा सकते हैं या छायादार खुले हवादार स्थान में भी आप इसको सुखा सकते हैं। ठीक है, अब यील्ड की बात करें तो उत्पादन अ वेल मैनेज क्रॉप यील्ड अबाउट 15 to 20 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर, यानी कि जो है अच्छी फसल जो है अगर हम उसमें सही से सिंचाई खाद पानी उर्वरक दें और दवाओं का प्रयोग करें, सही से कर्षण किया करें, घास पत खल पतवार निकालें, तो एक अच्छी फसल से जो है हमें 15 से 20 क्विंटल उत्पादन जो है प्राप्त होगा। अच्छा, 15 से 20 क्विंटल क्या है? ये हमें लेंटिल के यानी मसूर के दाने प्राप्त होंगे। ठीक है,